स्ट ऑफ ऑल आपको एक टाइम टेबल बनाना है जो आप एग्जाम्स तक फॉलो करेंगे एंड आपका मिनिमम ग्यारह से बारह घंटे का आउटपुट आना चाहिए और टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जाम्स तक वो फॉलो करेंगे ऐसा नहीं कि आपने अभी अगर आप 10 से 4 सो रहे हैं तो एग्जाम्स में आप अपना स्लीप साइकिल ही चेंज कर दें बिकॉज उससे क्या होता है हमारी बॉडी को ट्रेन होने में बहुत ही टाइम लग जाता है और वो बॉडी साइकिल खराब हो जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अभी सपोज दस से चार सो रहे हैं तो आप एग्जाम्स में भी वही रूटीन फॉलो करेंगे और दस से चार ही सोएंगे या अगर सपोज आप अभी बारह से छह सो रहे हैं तो आप एग्जाम्स में भी बारह से छह ही सोएंगे ताकि आपका बॉडी साइकिल को परेशानी ना हो तो कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है और अपने टाइम टेबल को ऐसे डिवाइड कीजिए कि सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वली टाइम दे रहे हैं और कोई भी सब्जेक्ट निगलेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे बहुत बार बच्चे क्या होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं जो कि एडवाइजेबल नहीं है और फिर ऑडिट और लॉ में बच्चों के मार्क्स नहीं आते सो so, टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू डिसाइड कर लो कि एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है uh, दोनों ग्रुप तभी देना अगर आप लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी है और आप दोनों ग्रुप देखिए उसे उसके साथ जस्टिफाई जस्टिफाई कर कर उसको कर अगर आप की प्रिपरेशन सिर्फ एक ही ग्रुप की हुई है अच्छे से और दूसरा ग्रुप आपने शुरू भी नहीं किया है तो आपको सिर्फ एक ही ग्रुप के साथ जाना चाहिए बट अगर आपने दोनों ग्रुप एक बार पढ़ लिए हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी है तो आप दोनों दे सकते हो बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि आ, ठीक है दोनों दे देते हैं और जो क्लियर हो गया वो हो गया जो नहीं हुआ तो ये अप्रोच गलत है एक ग्रुप दो बट क्लैरिटी के साथ दो कि ये ग्रुप देना है एंड ये क्लियर करना है अब लास्ट के दो महीने बच्चे क्या करते हैं कि ये रिविजन क्लासेस आ रही है ये बूस्टर क्लास आ रही है ये नई क्लास आ रही है तो ये सब क्लासेस आपको नहीं करनी है लास्ट के दो महीने में क्योंकि लास्ट के दो महीने में आपके पास क्लासेस करने का टाइम है नहीं हाँ आप रिविजन लेक्स देख, तो देख सकते हो यूट्यूब पे क्योंकि वो से दस घंटे में आपका पूरा कोर्स कवर हो हो जाता है है एंड वो वो हेल्प भी करता आपको रिटेन करने में तो आप देख सकते बट लास्ट के दो महीने में आपको कोई नई क्लासेस नहीं लेनी है बिकॉज वो बहुत टाइम लग जाएगा खत्म होने में और आप एकदम से नए आ, नए मटेरियल के साथ पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे सो अवॉइड टेकिंग क्लासेस इन लास्ट टू मंथ्स अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई आपके पीयर ग्रुप में कोई ले रहा है तो भी आपको आ, आ, उनका कंपेयर करके उनके साथ नहीं जाना है एंड स्टिक विथ योर ओन नोट्स और जो भी तक आपने क्लासेस ली हैं आप उसके बेसिस uh, पे पढ़ाई कीजिए नहीं तो आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं रिविजन लेक्चर्स ओके सो नेक्स्ट इज कि आप एक ही बुक रेफर करेंगे फॉर ए फॉर वन सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में आप क्या होता है बच्चे तीन चार पांच बुक रेफर करने लग जाते हैं और फिर क्या होता है सब बुक्स में सेम ही चीज लिखी है बट एक ही बुक को एक ही मटेरियल को आप चार अलग अलग ऑथर की बुक से पढ़ते हैं उससे आप कंफ्यूज होते हैं और सब में बातें वही लिखी हैं बट वर्ड वर्डिंग्स अलग है सो इट्स बेटर कि आप एक ही बुक फॉलो करें और वो आईसीआई के मटेरियल के एट पार होनी चाहिए आईसीआई के मटेरियल में जो भी लिखा है वो उसमें होना चाहिए और नहीं तो अगर आप आईसीआई का रेफर कर रहे हैं तो गुड इनफ प्लस एक क्वेश्चन बैंक जिसमें सारे पिछले प्रैक्टिस uh, मैनुअल रेफर कर सकते हैं जिनमें प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है आप उनमें uh, कोई गुड uh, ऑथर का क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं और आल्सो पास्ट ईयर के आरटीपीज और करंट ईयर के आरटीपीज और के पेपर्स ये भी आपको सारे करने हैं पिछले एटलीस्ट फाइव के नाउ नेक्स्ट इज आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट निकालना है अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं और अगर आप अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट सॉरी अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट Uh, या दो सब्जेक्ट्स uh, स्ट्रोंग निकालने पड़ेंगे और अगर आप दो ग्रुप दे रहे हैं तो तीन सब्जेक्ट ऐसे निकालने पड़ेंगे जिनमें आप एम करें एग्जाम्शन का एग्जाम्शन आने से क्या होता है कि आपका जो ग्रुप uh, क्लियर uh, करने में वो बहुत हेल्प करता है और अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में कम भी मार्क्स रह जाते हैं सपोज फोर्टी फाइव रह गए फोर्टी फोर फोर्टी टू तो वो एग्जाम्शन uh, आने में आपका पूरा ग्रुप इजीली निकल जाता है अब बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट करते हैं जैसे कि ऑडिट लॉ एंड इसका ये एक सही अप्रोच नहीं है और इसीलिए फिर मार्क्स उसमें अच्छे नहीं आते हैं तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में करनी चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है आपका माइंड फ्रेश होता है और इसको एकदम से आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको पहले इसको न्यूज की तरह पढ़ना चाहिए एंड देन आप दो तीन चार बार पढ़ोगे फिर आपको धीरे धीरे खुद ही वो रिवाइज याद हो जाएंगे तो और आपको तीन से चार बार तो रिविजन करना ही चाहिए अगर आपको तीन या चार बार में भी या, याद नहीं हो रहा है तो आपको एक और रिविजन कर लेना चाहिए बट तीन या चार रिविजन में अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाते हैं चीजें तो तीन चार बार रिवाइज करना सफिशियंट आईट्स नेक्स्ट इज कि एटलीस्ट टू मॉक्स आपको सॉल्व करने चाहिए एग्जाम से पहले और ये मॉक्स जो आईसीआई अपने करेंट अटेम्प्ट uh, में निकालता है वो बहुत ईजी निकालता है तो uh, उससे बेटर है कि आप पिछले पास्ट जो भी दो अटेम्प्ट्स के एक्चुअल पेपर्स हैं आप वो सॉल्व करें जैसे अगर आप मई ट्वेंटी वन लिख रहे हैं एग्जाम तो आप जनवरी ट्वेंटी वन में जो एग्जाम हुआ है प्लस जो नवंबर ट्वेंटी का एग्जाम हुआ है या फिर जो मई नहीं में आ, जो लास्ट ईयर बट वो बहुत पुराना हो जाएगा। सो so, पिछले जो दो के हैं आप वो करें उनमें क्या होता है डिफिकल्टी है लेवल होते हैं जो आ, वो उनमें बहुत ही ईजी होता है तो वो इतना आ, इतना अच्छा नहीं होता उसका डिफिकल्टी लेवल सो so, आपको दो मॉक सॉल्व करने हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट इज

और दैट दैट मेक्स नो सेंस कि अगर आपने पिछली कितने भी अच्छी तैयारी करी हो बट वो डेढ़ दिन में अगर रिवाइज ही नहीं हुआ तो वो सब वेस्ट हो जाते हैं तो अभी से ही आपको डेढ़ दिन की स्ट्रेटजी आपकी क्लियर होनी चाहिए एंड लास्ट बट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी आपको टिल द एग्जाम्स आपको सेवन टू एट आवर्स नहीं तो सिक्स टू सेवन आवर्स की स्लीप बहुत ही जरूरी है आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पढ़ लिए पंद्रह घंटे कल पढ़ रहे हैं आठ घंटे फिर मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और आपको डेली स्लीप की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो बॉडी साइकिल हमारा इफेक्ट होता है अगर हम आ, अपनी स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते हैं सो प्रॉपर स्लीप एंड न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको कोई भी जो एक्सरसाइज करना पसंद हो हाफ एन आवर और फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स दैट इज गुड ऑल्सो सो दैट्स वॉट आई फील कि अगर आप ये सारी चीजों को uh, ध्यान में रखेंगे तो दैट कैन मेक योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम्स मच बेटर सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाय टेक केयर